अब तो अगर कोई डॉक्टर भी ये बोल दे कि मैं आपकी पिगमेंटेशन को विद इन 15 डेज में ठीक कर सकता हूँ, आप ये मेडिसिन लीजिए, इन इन क्रीम्स को अप्लाई कीजिए, तो तब भी मैं वो चीज़ नहीं करने वाली हूँ। इतना जो है मुझे भरोसा हो गया है इन DIYs पर, इस जो किचन की जो चीज़ें हैं इन पर, इन होम रेमेडीज़ पर। ठीक है, आप किस तरह से अपने विश्वास को बिल्डअप बना सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ होने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न हमें चाहिए होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान के बारे में, जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भगवान है दुनिया में, इतना गलत हमारे साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमने भी गलत नहीं किया। हालांकि भगवान को हमने देखा नहीं है, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट है और उसी ट्रस्ट के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। तो यही ट्रस्ट मेरा इन होम रेमेडीज़ के ऊपर, इन DIYs के ऊपर हो चुका है। ठीक है, जो कि आई थिंक अब इसको ब्रेक कर पाना बहुत बहुत, मतलब अनदर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपना, देखिए ये जो ट्रस्ट बना है, जो बिलीव हुआ है, जो एक विश्वास जगा है, ये किसी ना किसी रीज़न से हुआ है। क्या ऐसा हुआ और कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो कि 100% रिजल्ट देती है? 100% का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि एक बार अप्लाई किया और हमें रिजल्ट्स मिले। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक डॉक्टर से कंसर्न करने वाली हूँ, जाके उनसे मिलने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ, कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपका भी कोई डाउट है, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चीज़ भी उनके साथ डिस्कस करूँगी। और इसके साथ साथ जो भी रेमेडीज आप कर रहे हैं ना, उसके ऊपर इस तरह से ट्रस्ट रख के करिए कि हाँ मैं ये लगा रही हूँ तो रिजल्ट्स मुझे ये मिलेगा। और 15 डेज तक किसी भी एक रेमेडीज जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप बेसन लगा रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल बेसिक सा जो चीज़ है ना, जिसको बोलते हैं कि ये क्या काम करेगा, जो कि है बेसन और हल्दी, अगर आप इससे भी अप्लाई कर रहे हैं तो 15 डेज तक विदाउट स्किपिंग, विदाउट डाउटिंग, प्लीज़ इसको ट्राई करें। और उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि ये काम कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे क्यों इन चीज़ों पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी सारी रेमेडीज़ यूट्यूब पे शेयर की जा रही है, इतना सारा जो नॉलेज आप लोगों को दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न को हटाना किस तरह से है, आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चीज़ों को करो। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक चीज़ आपने अप्लाई की, वो आपको लग रहा है कि स्किन पे कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको स्टॉप करो। देन जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको करो। अब जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उनके रिजल्ट सच में बहुत अच्छे हैं और स्किन इतनी अच्छी हो गई जो कि आप देख पा रहे हैं, और डे बाय डे और बेहतर होती जा रही है। ठीक है, आप देख लो कि आपके सामने है जो भी रिजल्ट, से आपको करके भी दिखाती हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें होती है। और कई बार फेस डार्क दिखता है, कई बार फेस लाइट दिखता है, इसका भी रीज़न होता है। जैसे आप जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो एक ही लाइट ऑन है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे नहीं है, इधर से डार्कनेस आ रही है, तो इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लाइट कैसे हो गया, डार्क कैसे हो गया, देखिए उस जो शेडो जो गिरती है, उससे भी स्किन का कॉम्प्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट करो, भरोसा करो कि 70% रिजल्ट्स मुझे मिले हैं इन रेमेडीज से। तो आप भी इनको लगातार यूज़ करो, बिना किसी सेकंड थॉट के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। ठीक है, तो क्या करना है, किस तरह से करना है, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना कि कोई भी रेमेडी करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले, अपने स्किन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और इतने दिनों से किसी भी मॉइस्चराइजर को, अगर आप स्किन पे BB क्रीम, CC क्रीम, फाउंडेशन लगा रही हैं, और किसी भी तरह का केमिकल अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, तो भरोसा करिए मेरा, 15 दिन के लिए ये चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि इन ये भी कहीं ना कहीं आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ा रही हैं। हमें नहीं पता उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या केमिकल ऐड किए गए हैं। जो हालांकि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसको तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको स्टोर करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल हाफ हो जाएंगे। जो रिजल्ट्स हमें आलू को घिसने से, तुरंत घिसा तुरंत लगाया, तो उसका जो रिजल्ट्स मिलेगा वो ही वही आलू, अगर हम 10 से 15 मिनट उसको छोड़ देंगे और फिर लगाएंगे ना, तो वो रिजल्ट्स मिलेगा हमें, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए था उसका हाफ मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सारी चीज़ों को एक साइड करके सिर्फ और सिर्फ होम मेड रेमेडीज़ पे ट्रस्ट करिए, इनको एक बार ट्राई कीजिएगा। पर
15 दिन की बात है, 15 दिन के बाद आप फ्री हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, चाहे वो केमिकल की तरफ जाना चाहते हो आप जा सकते हो। मेरा भरोसा है, ये इतना भरोसा है मुझे इस पे कि आप अगर 15 दिन तक लगातार इसको कर लोगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। चावल का आटा नींबू के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत 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 अच्छे मिले हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइक जलन होती है हल्की सी, तो देखिए होगी, क्योंकि जिस तरह से हम पार्लर में जाके ब्लीच करवाते हैं, है ना, जब वो ब्लीच होती है तो किस तरह से बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको भी बेयर करते हैं हम। इवन आई, आँख जो होती है हमारी, आईज जो होती है उनमें भी वो चला जाता है। और कितना पोर्शन छोड़ के हमारे वो लोग ब्लीच करते हैं, लगभग इतना पोर्शन। और ये वाला जो है ना, ये हम पूरे फेस पे अच्छे से लगा रहे हैं, आईज के नीचे भी लगाते हैं। तो सोचिए क्या एक सिर्फ सोचने की बात है, और आपकी एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, मैं कहती हूँ बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व होती है। मुझे क्या बोलते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी, इतने विजिबल होने लगे थे, और मैं कहूँ अब ना के बराबर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे पास से देखो और इस तरह से करो, चीज़ों को देखो तब सिर्फ दिखती है। तो ये सिर्फ एक चीज़ को एड्रेस नहीं करती, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करती हैं। जो आप ब्लैक हेड वाइट हेड जो हम निकालते थे ना, इवन मैंने भी निकाले हैं, उसकी वजह से एक दो निशान हो जाती हैं। अब किसी भी तरह का रगड़ा रगड़ी फेस पे नहीं कर रहे हैं, और किसी भी तरह का एक्सट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को निकालने के लिए, वो नेचुरल निकल रही हैं। किसकी वजह से, जो हम लेमन यूज़ कर रहे हैं अपनी, तो ये जो ब्लैक हेड्स है ये नेचुरली निकल रहे हैं हमारी स्किन से लेमन की हेल्प से। जो लेमन हम रगड़ते हैं ना, और मैं तो कहती हूँ लेमन को दूध में डिप करके इस तरह से रगड़िए, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लेकिन एक दिन दो दिन करने से नहीं होगा, लगातार चीज़ों को करें। अपना मॉर्निंग और नाइट में स्किन का क्लीन होके सोना बहुत ज़रूरी है। नाइट में एक लंबे टाइम के लिए हम फिजिकली मेंटली पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो भी काम करके हम सोएंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो भी रेमेडी करते हैं उसको करने के लिए, मैं सच बता रही हूँ आपको, इनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए मैं बार बार जो कर रही हूँ ना, ये भी नहीं करना होता है। फेस पे टचिंग जो हम करते हैं ना, आधी प्रॉब्लम इसी से हम बढ़ा लेते हैं कि बार बार फेस पे टच करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने नहीं करना है, इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि आलू को यूज़ करना है, डेली यूज़ कीजिए। ये ऐसी रेमिडीज़ हैं जो आप डेली यूज़ करनी है आपको। आलू हुआ, नींबू हुआ, एलोवेरा हुआ, एलोवेरा जो कि आपको बाद में किसी भी तरह के मॉइस्चराइजर की ज़रूरत फील ही नहीं होगी, अगर आप चीज़ों को इस तरह से करोगे। अभी मैंने जो फ्रूट फेशियल आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसकी रिजल्ट्स जब मॉर्निंग में, नाइट में करके सो, आप मॉर्निंग में जब आप उठोगे ना, आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। किसी भी पार्लर में जाके कोई भी फेशियल ऐसा रिजल्ट्स आपको नहीं दे सकता जैसा इस फ्रूट फेशियल ने दिया है। मेरा दावा है ये, मुझे इतना ट्रस्ट है, क्योंकि जब आप करोगे तभी आपको पता लगेगा। लेकिन करना उसी तरीके से है, जब हम पार्लर में जाते हैं आपने देखा होगा इस तरह से हमारे फेस पे मसाज होती है, दोनों फिंगर्स को करके इस तरह से। मैं कहती हूँ अपने फेस पे इन पोर्शन को तो हमने यूज़ ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर्स का जो प्रेशर होता है, जो कि बिल्कुल माइल्ड होता है, सिर्फ वही हमने करना है। और उसी से, क्योंकि ज़्यादा हम जोर लगा ही नहीं पाएंगे, जो भी फ्रूट है, जो भी पल्प है हमारे हाथ में, बस उसी को घिसना है, ताकि जूस जो है वो पूरी तरह से स्किन में चला जाए, ड्राई हो जाए। और इस तरह की, जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं स्किन पे, कुछ भी करने के बाद लास्ट में स्किन पे दो बूंद ऑयल की, नहीं तो जो भी नाइट टाइम मॉइस्चराइजर मैंने आप लोगों के साथ किया है वो लगा सकते हैं, कुछ भी, या फिर एलोवेरा। तो उस टाइम पे इस तरह से आपने अपने फेस को करना है, और आप देखोगे कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कोई रगड़ा रगड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आपको। इसके साथ साथ मॉइस्चराइजर हुआ, आपकी स्किन के हिसाब से, अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल अपनी स्किन पे यूज़ किया है, जैसे कि क्रीम्स यूज़ की हैं इस पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होगी। वहाँ पे आपने देखना है कि घी का उपयोग बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उसको भी यूज़ करने का तरीका है, अच्छे से मसाज करने करके और रात भर के लिए छोड़ दो। रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, नाइट के टाइम में करके, और उसके ऊपर ये जो भी पैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसको लगा के और वॉश करके आप सो सकते हैं।
आप देखो तो सही करके, करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? एक और दो दिन में आज यहाँ पे ढूंढ रहे हो कुछ, कल वहाँ ढूंढ रहे हो, परसों कहीं और ढूंढोगे, इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी हासिल आपको नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में कुछ हासिल करना है, देखिए कुछ ऐसे इंस्टेंट चाहते हैं कि बस अभी करें और अभी सब कुछ गायब हो जाए, तो आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं, लेकिन ये चीज़ें इतना अच्छा काम करती हैं, आपको अंदर से फील होगा एक कॉन्फिडेंस कि हाँ बस इतनी सी चीज़ ने इतना अच्छा काम कर दिया, एक सिर्फ एलोवेरा घिसने से इतना फ़र्क पड़ गया मुझे। और एक नहीं, ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स पे आपके काम करता है, जो रेमेडीज मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट अगर आप है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, जरूर मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।